हेलो फैमिली, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय की इंट्रो कर सका है, कैसे आप सब लोग। आज मैं दिखा रहा हूँ 3 BHK का अपार्टमेंट, 1466 स्क्वायर फीट का कार्पेट है, दादर लोकेशन, जिसकी एंट्रेंस पे मिल जाती है ऐसी डोर। अगर मैं डोर की क्वालिटी बताऊं तो आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, हाइट मैं बता सकता हूँ जिसकी हाइट है 12x4। प्लीज अंदर आइए। जैसे आप फ्लैट के अंदर आते हैं तो एंट्रेंस में फ्लैट के अंदर की लॉबी है, एंट्रेंस बाहर की लॉबी नहीं है, फ्लैट के अंदर की लॉबी है। इसकी जो भी साइज होगी मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा। टॉप टू बॉटम हाइट आप देख सकते हैं, सेम हाइट आपको कॉल करने के बाद आपको पता चल जाएगा। और जैसे आप अंदर आ रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको मिल जा रहे हैं आपके सर्वेंट रूम बेसिकली। तो ये है उनका, आपके सर्वेंट के लिए एक बेडरूम दिया गया है, ठीक है। इसकी साइज आपको स्क्रीन पे दिखेगी। इसके साथ जैसे आप आगे की ओर आते हैं तो ये है बेसिकली उनका वॉशरूम होने वाला है, जहां पे आ जाएगी उनकी एक छोटी सी शावर, सॉरी वॉश बेसिन, शावर एरिया एंड कमोड। इसकी भी साइज आपको स्क्रीन पे देखने को आपको मिल जाएगी। और यहां से आपका अपार्टमेंट स्टार्ट होने वाला, तो आपका अपार्टमेंट स्टार्ट होने का तात्पर्य यही है कि पहले किचन दिखा देता हूं, क्योंकि जब तक आपको किचन ना मिले ना तो खाने का स्वाद नहीं आता, क्योंकि मैं खाने का शौकीन हूं, मुझे लगता है आप लोग भी खाते होंगे अच्छे खासे। प्लीज इधर आइए। तो यहाँ पे आपको मिलने वाले पैरेलल प्लेटफॉर्म साइजेस सारे स्क्रीन पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे अगर इसकी साइज देखेंगे प्लेटफॉर्म की, चौड़ाई काफी अच्छी खासी है, वीडियो के माध्यम से आपको उतना ही दिख रहा है, बट हाँ अगर आपको पसंद आए तो प्लीज आप आकर विजिट करें। नीचे क्लोज कैबिनेट दिए गए हैं, ऊपर क्लोज कैबिनेट दिए गए हैं। यहाँ पे आ जा रही है आपकी रेफ्रिजरेटर के लिए स्पेस। अब आपको ऐसा चाहिए या नहीं चाहिए, इससे बेटर चाहिए वो आपको पता है, नहीं तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, आप विजिट करने आओ मेरे साथ, ठीक है, बढ़िया सी फ्रिज देने वाला हूं। और यहां पे आ जा रही है आपकी स्पेस, एक यूटिलिटी स्पेस जिसको हम कहते हैं ड्राई बालकनी भी। यहां पे आप लगा सकते हैं आपकी वॉशिंग मशीन, या ये आपको वेंटिलेशन पर्पस से विंडोज मिल रहे हैं जो आप इसको मूव कर सकते हो आपके क्लॉथ्स को ड्राई करने के लिए। और ये पूरा यहाँ पे स्पेस मिल रहा, यहाँ पे आप आपके क्लॉथ ड्रायर रख सकते हैं, ठीक है, और छोटे मोटे और भी स्पेस है जहां पे आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। बेसिकली आप वीडियो के माध्यम से ये बताओ कि आपको कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है। आपका किचन ओपन दिख रहा है, करेक्ट, इंटीरियर से इसको क्लोज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, और सिर्फ वहां से यहां तक सिर्फ और सिर्फ लिविंग स्पेस है। प्लीज थोड़ा सा पीछे जाकर दिखाइए, सिर्फ और सिर्फ लिविंग स्पेस है, जहां पे आप देख सकते हैं लगभग 6 से 7 सीटर आपको सोफा लगाए गए हैं, सेंटर टेबल लगाया गया, इंटीरियर पर्पस से चीजें रखी गई है, यू नो, एक अच्छा सा शैंडेलियर लगाया गया है, इससे बेटर भी आप लगा सकते हो। ये एक सैंपल फ्लैट का टूर है, जहां पे आपको चाहिए तो आप अपने तरीके से, आपको मिलने वाला तो रॉ फ्लैट है, बट मैं ये चीजें दिखा रहा हूं क्यों, सामान रखने के बाद या फिटिंग्स करने के बाद आपको स्पेस कितना बचता है। तो मुझे तो बहुत काफी अच्छा लग रहा है। अब मैं दिखाऊंगा इसके साथ आपकी बालकनी, तो प्लीज बालकनी में जाने से पहले ये देख लो मेरे, अगर आपने वीडियोस देखे इसके पहले तो मैं बता सकता हूं ये जो क्वालिटी है UPVC ऐसी क्वालिटी है जो ग्लासेस में आती है, समवेयर अराउंड 80% बाहर के साउंड को अंदर नहीं आने देती, ठीक है। अभी आपको शायद थोड़ा फर्क पता चल रहा होगा, ये क्वालिटी आप आके चेक कर सकते हैं। वीडियो के माध्यम से कैसा है कि मेरे पास माइक होते हैं जहां पे बाहर की साउंड नहीं आती। प्लीज इधर आइए। और ये मिलने वाली है आपकी इनक्लोज्ड बालकनी, ऊपर से प्राइवेसी का प्रॉब्लम नहीं होगा, अभी बेसिकली अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में है, तो ये साइजेस आपको सेम मिलने वाले हैं, टफन ग्लास रहेगा, दोनों साइड से लैमिनेटेड रहेंगी, अगर इन फ्यूचर कल होकर ये डैमेज भी होता है तो ये एज इट इज वैसे ही रह जाएंगे। ऊपर से आपको एक फिनिशिंग मिलेगा, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में है, आप प्लीज वहां पे जाइएगा। तो ये आपकी साइज है, और ये देख रहे हैं बैंड्रा वर्ली सीलिंग। कुछ टाइम पहले मैं भी न्यूज़पेपर में पढ़ता था कि बैंड्रा वर्ली सीलिंग आने वाली है, और ये आपका सी व्यू है। तो यहां पे फ्लैट लेने का ये बहुत अच्छा चीज है, ये सबसे बेस्ट पार्ट है, घर में तो आप रहते ही हो, ये व्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। दादर लोकेशन में 1466 स्क्वायर फीट का कार्पेट, और ये अगर मैं बिल्डिंग की बात करूं तो लगभग 50 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, 50 फ्लोर्स तक अपार्टमेंट है, 51 फ्लोर पे आपके कुछ एमिनिटीज है, आइए मैं आगे बताता हूं। अगर आपने लिविंग देखा है और डाइनिंग ना दिखाऊं तो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। और आपने अगर आपने ओपन किचन देखा है यहाँ पे, तो डाइनिंग तो पास में होना चाहिए, क्या कहते हैं।
तो ये है आपकी डाइनिंग स्पेस। आप देखें यहाँ पे 8 लोगों की डाइनिंग स्पेस लगाई गई है। और ये दादर है बॉस, मैं पुणे में शूट नहीं कर रहा हूँ, दादर में कर रहा हूँ। दादर मुंबई ऐसी चीज है ना, मैं बचपन से सुनता आया हूँ कि ये सपनों की नगरी है। ये सपनों की नगरी में दिखा रहा हूँ आपको अपार्टमेंट, जहां पे आपको मिल रहे हैं 8 सीटर के डाइनिंग। आप इसको बढ़ा सकते हो, बेसिकली ये स्पेस भी आप देख रहे हैं, ये जो आपको स्पेस मिल रहा है इसको आप मल्टीपर्पज यूज कर सकते हो। अगर नहीं चाहिए तो डाइनिंग बड़ा कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। और अगर डाइनिंग ऐसा है तो शैंडल आप अपने तरीके से लगाना। बेसिकली मेरे को ये वाला शैंडल पसंद नहीं आ रहा, आप अपने तरीके से लगाना, ठीक है? क्योंकि अच्छा, अगर घर अच्छा हो तो इंटीरियर वाला अच्छा होना चाहिए। और अगर आपके पास इंटीरियर वाला नहीं है तो आपके पास गुप्ता जी हैं, कॉल करो, आइए। बेसिकली ये तो था आपका, आपने देखा अभी लिविंग देखा, आपने डाइनिंग देखा। यहां से आपके बेडरूम स्टार्ट होते हैं। जैसे आप यहां पे देख रहे हो तो मेरे ये फर्स्ट बेडरूम है, ये आपका कॉमन वॉशरूम है, ये आपका सेकंड एंड ये थर्ड। तो स्टार्ट करता हूं फर्स्ट से, आइए। बेसिकली वहां पे रोकने का रीजन ये था कि आप थोड़ा सा पीछे जाइएगा, आप एक नोटिस करो कहीं पे भी डेड स्पेस नहीं है। वहां पे बताने का मेरा लॉजिक यही था कि कहीं पे भी डेड स्पेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो भी है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया गया है फ्लोर प्लान का। आइए, दिस इज योर फर्स्ट बेडरूम, जहां पे आपको मिल रही है किंग साइज की बेड। जैसा मैंने आपको बताया जो स्टैंडर्ड किंग साइज होता है 6x6.5, सेम बेड ये है। और यहाँ पे इंटीरियर पर्पज से चीजें रखी गई दोनों साइड में, टीवी यूनिट पीछे लगाया गया आपके। और आपके जस्ट पीछे आप देख सकते हैं, अगर मैं बताऊं प्लीज यहां से लीजिएगा, ये वार्डरोब है। वार्डरोब बताने का तात्पर्य है कि इसकी डेप्थ मैं आपको दिखाता हूं, इतनी डेप्थ है लगभग 1.5 से 2 फीट की, ठीक है? और अगेन यहां पे आप देखेंगे बाहर से जो इसका फील आने वाला है वो ग्लास फसाड का आने वाला है। जैसे आप कमर्शियल टावर्स देखते हैं जहां पे आपको ग्लास फसाड बहुत अच्छा दिखता है, सेम वैसी फीलिंग आने वाली है। ये जो क्वालिटी होती है UPVC की होती है। और यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो स्पेस मिला है एक रेलिंग टाइप का दिया गया, ये आजकल हर बड़े अपार्टमेंट्स में, बड़े एज इन जो हाई राइज अपार्टमेंट वहां पे दी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर समझो इसको आप मूव कर रहे हो तो सेफ्टी पर्पज से ये चीजें रहती हैं। अगर आपके बच्चे आ रहे हैं इसको मूव करना चाहते हो, सॉरी मैं इसको खोलूंगा नहीं, बट इस साइड से आपकी जो व्यू भी आने वाली है सिटी व्यू आने वाली है। आप जैसे बेडरूम से निकलते हैं आपको ये मिल जाता है पहला कॉमन वॉशरूम, प्लीज इधर आ जाइए। कॉमन वॉशरूम में आप आते हैं तो यहां पे आपको पहले मिल रही है वॉश बेसिन, कमोड, एंड ये है आपका शावर एरिया। अगर मैं फिटिंग्स की बात करूं तो सारे आपको यहां पे ग्रोहे के मिल रहे हैं, यहां पे आपको ग्लास पार्टीशन मिल रहा है आपके शावर सेक्शन में। और ये बेनिफिट ये हो जाता है ना कि अगर आपका ग्लास पार्टीशन दिया गया है तो आपका शावर सेक्शन थोड़ा बड़ा है, क्योंकि आप यू नो जब भी आप शावर लेते हो तो आपके हाथ इधर उधर जाते हैं, तो वो ग्लास पार्टीशन से टच ना हो। ये आपकी कमोड बहुत मुझे ज्यादा बेटर। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो वेट एरिया है और ड्राई एरिया दोनों अलग किया गया है, जो शायद आपको वीडियो के माध्यम से पता ना चले, बट ये आपका वेट एरिया नीचे और ये देख सकते हैं एक स्लैब ऊपर है, तो ये आपका हो गया ड्राई एरिया। अगर आपका वाटर का फ्लो है तो सीधा आपको वेट एरिया में जाएगा। आइए, अब जैसे फर्स्ट बेडरूम से मैं निकला, ये है आपका सेकंड बेडरूम, आइए। सेकंड बेडरूम में आप आते हो, ये स्पेस आप देख रहे हो, ये स्पेस का भी यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो। बेसिकली ये सैंपल फ्लैट का टूर है, बट ऐसा स्पेस आपको मिलने वाला है, ठीक है? आइए, आप एक मिनट थोड़ा इधर आइएगा। यहां पे जैसे आप अंदर आ रहे हैं ना, तो ये आपकी डेप्थ है वार्डरोब की लगभग 1.5 से 2 फीट की, और उसके बाद ये बेडरूम है आपकी। अगर मैं साइज की बात करूं, अगेन किंग साइज की बेड आपको एक स्पेस इसमें भी देखने को मिलेगा, ये बेड के अलावा ये स्पेस है। यहां पे चाहिए तो आप यहां पे एक दो चेयर्स लगा सकते हो, इस साइड में एक उस साइड में। यहां का भी अगेन मैं बताऊं, ग्लास फसाड वाली व्यू आने वाली है। यहां पे जो आपको दिखने वाला है एक आपको सी व्यू मिल रहा है, वर्ली बैंड्रा सीलिंग, करेक्ट? एंड ऊपर की हाइट आप देख लो, हाइट मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, कॉल पे बताऊंगा, तो आपको प्लीज कॉल करना चाहिए, क्योंकि अब मैं मुंबई से पुणे से वीडियो दे रहा हूँ, मुंबई से दे रहा हूँ, और शायद मैं कहीं और से भी दूँ आगे चल के, तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़ आगे जाइए, कॉल करिए, आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है इस एरिया में, मुंबई लोकेशन में या पुणे लोकेशन में, तो प्लीज़ कॉल करें।
तो बेसिकली ये आपका अपार्टमेंट है। अब इसके साथ आपको मिल रहा है अटैच वॉशरूम। अब जस्ट एक बात नोटिस करना कि इससे पहले जो मैंने आपको वॉशरूम दिखाया था उसकी फीलिंग अलग थी, सेम ये वॉशरूम की फीलिंग अलग है। यहां पे आपको ब्लैकिश काइंड ऑफ आपको मिल रही है वॉश बेसिन, अगेन आपको कमोड मिल रहा है ब्लैक कलर का, और यहाँ पे आपको जो शावर एरिया मिल रहा है, इवन शावर एरिया जो शावर फिटिंग से वो भी सारे ब्लैक मिल रहे हैं। और अगर मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे आपको ग्लास पार्टीशन दिया गया है तो शावर सेक्शन बड़ा होगा, क्यों? जब भी मैंने ये बात बताई कि अगर आप नहाते हो तो आपके हाथ इधर उधर जाते ही जाते हैं, ठीक है? तो इसकी साइज आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी। और ये है आपका थर्ड बेडरूम। जैसे आप सेकंड बेडरूम से निकले तो ये है आपका थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम में अगेन मैं आपको बताऊंगा किंग साइज के बेड, आपके पीछे वार्डरोब, और ये आपको व्यू मिल रहा है। कितना अच्छा होगा ना जब आप सो के उठो और सीधा वर्ली बैंडा वर्ली सीलिंग आप देखें या सी व्यू देखें, मतलब ये सबकी बस की बात नहीं है। बट अगर आप अगर आपको ये आप परचेज करना चाहते हो तो ये आपका सपना पूरा होने वाला है, सीरियसली बता रहा हूँ। ये इंडिया में मुझे लगता है कि शायद 100% लोग होंगे तो 1% ही अफोर्ड कर सकते हैं। अगर ये आप अफोर्ड कर सकते हो तो प्लीज आके विजिट करो, मुझे लगता है ये काफी अच्छा अपार्टमेंट है। फ्लोर प्लान बहुत बेटर लगा। अगर कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो आप तो कॉल कर सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। तो ये आपके बेसिकली अपार्टमेंट, इसकी साइज आपको स्क्रीन पे दी गई है और इसके साथ अटैच वॉशरूम आ रही है। अटैच वॉशरूम हो और इतना बड़ा मिरर, क्या बात है। अगेन मैं बताऊं यहाँ पे आपको अलग फीलिंग दी गई है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो जो आपकी वॉश बेसिन है वो ग्रेइश कलर की है, लाइट ग्रे कलर की है। बेसिकली यहाँ पे आपकी कमोड आ रही है सेम कलर की, एंड यहाँ पे आपकी शावर फिटिंग्स आ रही है, और यहाँ पे भी आपको ग्लास पार्टीशन दी जा रही है। तो साइजेस के हिसाब से तो आप समझ गए होंगे, इसकी भी साइज आपको स्क्रीन पे दे दी जाएगी। तो कैसा लगा आपको ये 3 BHK का अपार्टमेंट, जहां पे आपको मिल रही है 3 BHK, 3 वॉशरूम, 3 बेडरूम, 1 सर्वेंट रूम, कैसा लगा? मैं फ्रैंकली बताऊं यहाँ का प्लान मुझे अच्छा लगा, लोकेशन बहुत अच्छा लगा और प्राइस बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे दो प्राइस है। अगर आप 40 फ्लोर के नीचे आते हो तो पर स्क्वायर फीट आपको मिलने वाली है 65,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। अगर आप 40 फ्लोर के ऊपर जाते हो तो 75,000 पर स्क्वायर फीट के रेट से आपको ये अपार्टमेंट मिलने वाला है। बेसिकली मैं बताऊं अगर 40 फ्लोर के नीचे हो और इसकी प्राइस अभी 3 BHK की जाती है समवेयर अराउंड 13 करोड़ रुपए, और कारपेट है 1466 स्क्वायर फीट और वो भी दादर लोकेशन, इससे ज्यादा बेटर डील नहीं मिल सकती। स्क्रीन पे हमारे नंबर दिए गए, जाइए कॉल करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।